स्वागत है आपका प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड के साथ साथ आजकल पंजाबी इंडस्ट्री, जिसे हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, काफी ज्यादा फेमस हो रखा है। और कोरोना के बाद बॉलीवुड ने एक अलग ही पहचान बना दी है इंडिया के अंदर। तो इसके साथ साथ जो मूवीज होती है उनमें सबसे बड़ा हाथ होता है राइटर का। तो ऐसे ही एक बहुत ही टैलेंटेड राइटर राजू वर्मा जी हमारे साथ हैं, जिनकी एक नई मूवी फूमफट जी हमारे सामने आने वाली है। तो आइए बात करते हैं उनसे कि इस मूवी का कंसेप्ट उनको कहां से मिला और कैसे इन्होंने इसकी शुरुआत की। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश टीवी में। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स जो आप यहां पे बता रहे, वेलकम थे हमारे पास। सर, जैसे कि बॉलीवुड बहुत अच्छा कर रही है पिछले दिनों में, बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है, बॉलीवुड के मुकाबले बॉलीवुड को काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिलने लगा है, उसके बीच पंजाबी मूवीज एक ऐसी चीज है जो अलग कॉन्सेप्ट्स लेके आ रही है इस बार, कि जो मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बॉलीवुड की तरफ से आ रहे हैं। ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है कि फूफड़ जी का भी है, क्योंकि इसके नाम से ही ये पता लग रहा है। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि फूफड़ जी का बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या। फूफड़ जी एक रिश्तों की कहानी है। जैसे पहले मकान कच्चे हुआ करते थे, रिश्ते पक्के हुआ करते थे, और अब अंकल आंटी ने जगह ले ली है, जैसे जैसे टेलीविजनों की जगह एलसीडीओ ने ले ली है। वैसे सबसे पहले हमारे जो फुफ्फड़ जी हमारे घर में आते थे ना, तो उनकी जो रिस्पेक्ट होती थी वह बहुत ही ज़्यादा होती थी, और सारे गांव को पता चल जाता था कि इनके प्रौणा आया हुआ है। जो जीजा होता है वो बाद में बिगड़ के फुफ्फड़ बनता है, पंजाबी में बात करें। उन रिश्तों की कहानी है, और बहुत ही अच्छा फैमिली ड्रामा है, बहुत ही अच्छे इसमें मैसेज दिए गए हैं, और बहुत कॉमिक ड्रामा इसको कहा जा सकता है। सर, जैसे कि आपने कहा फूफड़ जी आते थे तो सबको पता चल जाता था, लेकिन आजकल थोड़ा अलग भी हो गया। जिसके हमने ट्रेलर में भी देखा, इसके अंदर दो पहलू दिखाए गए हैं फूफड़ जी के, कि एक फूफड़ जी है जो मतलब एक राजा की तरह रहता है, और एक जो खुद को अपना कहता है कि मुझे बेटा मानो। वो दो अलग अलग चीजें, और थोड़ी इनके अंदर तनातनी भी दिखाई गई है। तो ऐसी तनातनी आपने जिंदगी में भी देखी है, क्योंकि एक होता है कि राइटर अपनी जिंदगी से उठाता है वो चीज। तो आपने कौन से अपनी जिंदगी के हिस्से से ये कहानी चुराई है कि नहीं, मैंने यहाँ पे ये चीज देखी थी तो वहां से मैंने इसको अपनी राइटिंग में उतार दी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे गाँव में ना एक हमारे पड़ोसी है मिठा सिंह मान है, उनके घर में रिश्ते की बात चली कि लड़की का रिश्ता करना है। उनका जो जवाई राजा आया था वो बोला कि मैं करवाऊंगा, फूफा बोला मैं करवाऊंगा, दोनों का झगड़ा हो गया रात को, और झगड़ा हुआ, दारू दूरू पी के एक दूसरे को फेंट दिया। अब टेंशन में मिठा सिंह मान है कि मैं जीजा जी को मनाऊं या फूफे को मनाऊं, फूफा को मना रहा है तो जीजा भाग रहा है, जीजा को मना रहा है और फूफा भाग रहा है। और इसके बाद हम दोनों काका धालीवाल शोती हम ने क्या किया, उनके फूफे को हमारे यहाँ लेकर आ गए, और वहां पे कुकड़ शुकड़ों से खिलाया और बढ़िया सेवा की, फुफड़ मान गया। जब जीजा को पता लगा कि फुफड़ वहां पे बैठा है, फिर जीजा भाग गया। सारी रात हमारी जैसी जूत पताण होती थी। सर, जैसे कि आपने बोला फुफड़ जी, आपने बोला कि हर वहां पे हर कोई यही सोचता है, जवाई आता है कि फुफड़ जी बनना है। एक इस फिल्म के जो ट्रेलर था उसमें हमने एक डायलॉग पढ़ा था, एक बच्चे से उसकी माँ पूछ रही है कि मुझे क्या बनना है, तो वो कहता फुफड़ जी। आपने भी बचपन में कभी सोचा था किसी को देख के कि अरे भाई नहीं, और सब कुछ छोड़ो, ये चीज जरूरी है करनी? मैंने सोचा था, मैं जब ना गया किसी की शादी में गया, सबसे पहली शादी थी शायद मेरी, मेरे गांव का नाम नहीं याद, दिड़बा के पास था कोई गांव, वहां पे जब मैं गया ना, वहां पे जीजा की बहुत चढ़ाई, जीजा की है ना, जीजा के चसालियां भी हैं, जीजा जी कर रहे हैं सारे। मेरे को हुआ कि मैं जीजा कब बनूंगा, तो मैं मम्मी को आकर पूछ रहा कि मम्मी जल्दी जल्दी बताओ मैं जीजा क्यों बनूंगा। तो वो फादर ने मेरे को बहुत डंडे मारे, बोले साले तेरी 8-10 साल उम्र है, तेरे को मैं बनाता हूँ जीजा। वो क्या होता है कि जो रिश्ते है ना उनकी कदर बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है, क्योंकि जब मैं अपने ससुराल में जाता हूँ ना, तो मेरी एक अलग टार है, मेरे को पता है मैं कोई गलती भी कर दूंगा उन्होंने हाँ जी ही करना है। ऐसे ही फुफड़ के, मतलब बड़ी उम्र हो जाती है और थोड़ा सा शरीर भी जवाब दे जाता है। जैसे अगर फौजी किसी का फुफड़ हो फिर तो बिल्कुल ही बंदा गया काम से, क्योंकि फौजी का और भी रोब है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ऐसे है वाकया, जो कि फुफड़ जी के लिए, मेरे दोस्त की डेथ हो गई, जात का घुमियार था वो जो बर्तन बनाते हैं, उसका फुफड़ गधे को लेकर आया और बोलता कि साला फुफड़ की तो टेंशन है ही, साथ गधे की भी, अगर गधे कुछ कर दिया तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। वो उतनी फुफड़ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उतनी उसके गधे की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, देखो क्या रुतबा है फुफड़ का। ऐसा है कि फुफड़ की कदर बहुत है। जैसा कि सर जानते हैं कि राइटर को अब पहचान मिलनी शुरू हुई है, पहले राइटर जैसे कहते हैं कि जो शोले फिल्म आई थी बॉलीवुड के अंदर, उसके बाद से सलीम खान जी को राइटर के तौर पर माना जाने, उसके बाद लोगों के अंदर पहचान बनी कि राइटर भी एक चीज है।
और लोग फिर शुरू हुए राइटिंग के अंदर आना। तो आपने अपनी राइटिंग करियर की शुरुआत कब की, कैसे की, क्या दिमाग में आया कि नहीं मुझे यही एक लाइन है जो अपनानी है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। इसके ये क्या था, पहले मैं सिंगिंग में आया था, मैं सिंगर बनने लगा तो मेरे को लगा कि हर गाने पे 4-5 लाख रुपया चाहिए और 4-5 गाने पिट गए तो मेरा तो घर बिक जाएगा। मैंने सिंगिंग छोड़ दी, फिर मैंने सोचा मैं एक्टर बनूं। एक्टर मैं बनने के लिए किसी जगह पे गया, वहाँ पे ऑडिशन चल रहा था और मेरे को काफ़ी लंबी लाइन में लगना था और जब तक मेरी बारी आई तो मैं सब कुछ भूल चुका था, मेरी मत बच गई पंजाबी के लिए। तो मैंने सोचा यार ये भी फंडा ठीक नहीं है, करेक्टर तो मेरे को मिल गया, वहाँ सभी को बैंटी मिल रही है और हमारे स्पोर्टिंग छोटे करेक्टरों को बैंटी वगैरह नहीं मिली और मैं छोड़ के करेक्टर भाग आया। और उसके बाद मैंने बोला कि यार नहीं ये नहीं होगा ये नहीं। फिर मैंने पहली बार एक पंजाबी में जो बोलते हैं सिक्ख्या, जो लड़कियों की शादियों में बोली जाती है, मैंने पहली एक सिक्ख्या लिखी और उसको गाया, मेरे को 2700 रुपया 2001 में मिला। और तब मेरे पास, मैं सभी बच्चों से अमीर बच्चा था, तब मेरे को लगा कि यार मैं लिख सकता हूँ। और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल प्ले लिखे काफ़ी, लाफ्टर मेल ब्रेक का फेल, लाफ्टर मेल इन टाउन, ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे चलता रहा। और बाद में मैंने कम से कम 70-80 फिल्में लिखी जो एक भी नहीं बनी। और उसके बाद मैंने फिर, लेकिन मैं शुरू से ही ऐसा रहा हूँ कि मेहनत मैं करता जाता हूँ, अगर मेरी फिल्म बन रही है नहीं बने मेरे कुछ नहीं पता, मैं 3-4 बजे उठ के लिखना शुरू कर देता हूँ। जब मेरी 70-80 फिल्में नहीं बनी मैंने लिखी तो मैं एक बार टूट गया, फिर मैंने सोचा कि यार नहीं। पर फिर मैंने एक गुरुद्वारा में, मेरा दोस्त था उसके साथ जा रहा था, मैंने बोला कि यार मैं छोड़ना तू काम, उसने बोला नहीं यार और लिख। फिर मेरी 91 फिल्म बनी लिखी गई जो आटे की चली थी, 91 नंबर फिल्म, वो फिल्म बनी और फिल्म बहुत अच्छी रही। वो कहते हैं देर से जो सबर का फल होता है वो बहुत मीठा होता है, आपके लिए तो और भी मीठा निकला आटे की चिड़ी के साथ। सर जैसा कि ये फुफड़ जी मूवी है जिसके अंदर बीनू जी हैं, गुना बुल्लर जी हैं, जैस्मिन ने भी काम किया है, ये जैसे कि बीनू जी को सब जानते हैं कि कॉमेडी का नाम आता है बॉलीवुड के अंदर, तो आज की जनरेशन में बीनू जी को सबसे पहले याद किया जाता है कि उनका तो अगर वो खड़े भी है ना तो भी लोगों को हंसी आएगी कि हाँ आगे कुछ होने वाला है। पर गुरनाम सर ऐसे नाम है जो अभी आए इंडस्ट्री में, उनकी काफी कम फिल्में आई, हालांकि सिंगिंग के अंदर काफी अच्छे बड़ा नाम है पर एक्टिंग के अंदर अभी अभी इनका कदम रखा गया। तो आपके आपके माइंड के अंदर गुरनाम जी का नाम, गुरनाम और जीजा के लिए डिबेट चल रही थी, उसके लिए हमने काफी पहले सिंगा को भी सोचा था और फिर और भी 4-5 चेहरे आए थे, किसी की डेट्स की प्रॉब्लम थी कि वो मिल नहीं रही थी हमें जो हमें चाहिए थी, लेकिन जो हमारी एक टिकटिकी थी वो थी गुरनाम पाजी की तरफ, क्योंकि हमें ये था कि गुरनाम बाजी को कैसे इस फिल्म के लिए कन्वेंस किया जाए, क्योंकि दो हीरो वाली फिल्म बड़ी मुश्किल हो जाती है राइटर को भी डायरेक्टर को भी, क्योंकि उसको होता है कि मैं ना फीका पड़ जाऊँ मैं ना पड़ जाऊँ। पर गुरनाम बाजी बहुत ही मतलब खुश हुए स्क्रिप्ट सुनकर, उन्होंने बोला कि करने वाली स्क्रिप्ट है। फिर पगड़ी पे बात आ गई, हमें पगड़ी भी चाहिए थी, मंगल बाजी बोले पगड़ी भी चाहिए, बिन्नू बाजी की तो टेंशन है ही नहीं थी कोई। फिर गुरनाम बाजी को जब, क्योंकि समझदार बहुत है वो, काम को लेकर बहुत ईमानदार है गुरनाम बाजी, उन्होंने फिर जब सारा कुछ सेट हो गया मामला तो सेट पे इतना मतलब उन्होंने हमारी हेल्प की, सारी टीम की सल्यूट है दोनों को, बिन्नू बाजी को भी और गुरनाम बाजी को भी, क्योंकि फिल्म एक अच्छी तब निकलती है जब सारे ईमानदारी से काम करते हैं, ये नहीं सोचते कि मेरा नाम ही हो, सारी टीम का है। क्योंकि मैं पहले ही बताया कि स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए, डायरेक्शन भी अच्छी होनी चाहिए, कास्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोड्यूसर भी अच्छी होनी चाहिए। कुमार बाजी ने और हमारे जी स्टूडियो अंशु बाजी ने बहुत मेहनत की है, सभी ने बहुत ही अच्छा मतलब आ रहा है इसका रिजल्ट। तो जैसा कि आपने कहा एक मूवी के अंदर दो हीरो होंगे तो तनातनी होने की दिक्कतें रहती है, बिल्कुल। तो फिल्म के टाइम पे कोई ऐसी तनातनी हुई दोनों के अंदर कि नहीं भाई इस टाइम इस सीन में नहीं मेरे को ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए या मैं अच्छा नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ हुआ? बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ इस बात को लेकर। वो ये होता था कि गुरनाम को मेरे से ऊपर भी चलाना फिर बात बनेगी, बोलता कि पाजी आप इसके ऊपर आओ फिर मैं आपको हो करूंगा, क्योंकि इनकी ये नहीं थी कि मैं इसको नीचा दिखाऊं, इनकी ये थी कि मैं ऊंचा तो हो रहा हूँ मेरे सामने वाला करेक्टर भी ऊंचा हो। बिन्नू बाजी खुद मेरे को बैंटी में बुलाकर कि गुरनाम का ये डायलॉग और अच्छा करो यार, वो मेरे को ऐसे आना चाहिए और फिर मेरा भी ऐसे आना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग हैं ना जो समझदार लोग हैं उनको ये है कि हमारा प्रोडक्ट चले ना कि हम, जब प्रोडक्ट चल गया तो सारे चल गए, इनके ये होता था। और जो करेक्टर इनके साथ कोई भी होता था अगर वो नहीं अच्छा कर रहा था दोनों इशारे करने लगते कि क्या किया है, फिर सीन को रोक रोक कर बहुत मतलब मेहनत की गई है इस फिल्म में। सर ये तो बात होगी कि हीरो हीरोइन का भी
काफी ज्यादा रोल रहता है एक मूवी के अंदर। तो इस मूवी के अंदर भी हीरोइन है जैस्मिन, जैसे हमने बात की, तो उनकी कास्टिंग आपने कैसे की कि ये एक, क्योंकि वो भी एक्टिंग में नए नए हैं, उससे पहले काफी बड़े बड़े नाम है एक्टिंग है बॉलीवुड के अंदर जो कि मूवीज के अंदर हमें आमतौर पर देखने को मिलते हैं, तो फिर आपने एक अलग हटकर जैस्मिन का नाम कैसे सोचा? वो हम जब सारी टीम बैठी थी ना, वो बात चल रही थी कि हमें कुछ ऐसे चेहरे चाहिए, एक तो दोनों लड़कियां बहने लगती हैं जैसे सिदिका और जैस्मिन जी, वो दोनों ऐसे लगते हैं कि जैसे दोनों सच में ही बहने हो, और कैरेक्टर जो उनके कैरेक्टर थे ना वो उन्हीं पे जा रहे थे कैरेक्टर कि यार ये ऐसी होनी चाहिए, जैसे अनु जी ने किया कैरेक्टर, बुआ का कैरेक्टर है जो अनु जी ने किया है, वो भी हम टेंशन में थे कि किस, उसने इतना अच्छा किया, जब फिल्म देखोगे तो तीनों लड़कियों का आपको बिल्कुल ऐसे लगा कि बिल्कुल यही चाहिए थे कैरेक्टर ही, कैसे थे वो उनकी इनोसेंट कहानी है जो तीनों लड़कियां की, वो अलग कहानी है कि इस फिल्म में एक कहानी नहीं, इस फिल्म में 12 से 13 कहानी है, हर बंदे की कहानी है, लड़की की अपनी कहानी है, ठीक है, बुआ की अपनी कहानी है, जो फुफड़ के मदर फादर है उनकी अपनी कहानी है, बिन्नू पाजी की अपनी, गुरनाम की अपनी, 12-13 कहानियों का मिश्रण है ये फुफड़ जी। सर फुफड़ जी के अंदर हर मूवी के अंदर लास्ट में एक मैसेज होता है, हालांकि फुफड़ जी का मैं मैसेज नहीं जानूं क्योंकि वो तो एक सीक्रेट हो जाता है कि आप मूवी देखिए उसके बाद में, पर जो आप दिमाग में होता है कि एक छोटी हम देख लेते हैं कि हम ट्रेलर देखे कि हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप फुफड़ जी के थ्रू कौन से क्या चीज है जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि लोग इस चीज को जाने? बिल्कुल, जैसे मैं फुफड़ जी से पहले बात करूंगी, फिल्म अगली कर रहे हैं आदत, उसमें मियां बीबी का एक रिश्ता दिखाया गया है जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। इस फिल्म की बात है फुफड़ जी की, इसमें क्या है कि फुफड़, ये बात नहीं है कि हम फुफड़ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, समझदार लोगों की जो अपनी जिंदगी के तजर्बे में से गुजर चुके हैं। फुफड़ करेक्टर, हालांकि बिन्नू पाजी की फुफड़ जो हमने दिखाना चाह रहे थे वो उतनी उम्र वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, इसमें एक रिश्तों की बात है कि रिश्ते हैं जो ना, जो समझदारी है वो किस में है, और घर में ईगो नहीं चलती। घर में अगर हम मान लो कि हम एक लड़की को लेकर आप बोलो कि इसका रिश्ता मैं कराऊं, मैं बोलूं मैं करवाऊं, उसका पंजाबी जी कहान हो रहा है जो वो कोई नहीं सोचता। इसमें यही चीजें हैं कि एक बार तो एक बार बिल्डअप मिलता है चीजों का, बाद में एक्सेप्ट होता है कि नहीं यार फुफड़ फुफड़ ही होता है। सर लास्ट में ऑडियंस के लिए आपके पास कोई मैसेज है फुफड़ जी को लेकर जो आप बताना चाहते हैं कि ऑडियंस को आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो देखे इस फिल्म को? बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अपने जो बुजुर्ग है, माँ बाप है, उनकी सेवा करो, और रिश्तों की अहमियत समझो, जो जिंदगी है थोड़ी सी जिंदगी है, पता नहीं कब किस मोड़ पे कौन अगले बार मिले या ना मिले, क्योंकि रिश्तों की हम मासी के पास कभी जाते नहीं, हम अपने नान के दादा के सब भूल चुके हैं, हम काम 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 ही रह गया है, और जो रिश्ते हैं ना इनकी रिस्पेक्ट करो, इनकी कदर करो, रिश्तों से थोड़ा सा टाइम दो, बहनों को टाइम दो, अपने सारी फैमिली को टाइम दो, चाहे बच्चे हैं, हम पैसे की दौड़ में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोई किसी के लिए टाइम नहीं है, हम ससुरकार भी भूल गए। मेरा मतलब इस फिल्म को लिखने का या इतना सा मैसेज ही हो जाए ओके कि हमारे रिश्ते हैं जो, वो भगवान ने किसी कारण तो माँ बनाई होगी हमारी, किसी कारण बाप बनाया, कोई तो कारण होगा कि हमारा कोई जीजा है या कोई, वो एक रिलेशन है, उसकी रिस्पेक्ट करो रिश्तों की, और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जियो, और ईगो जो इस फिल्म में मेन बात है वो ईगो की है, वो ईगो के कारण किसी की मतलब इसका बलिदान ना दो। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ राजू वर्मा जी, ऐसी कुछ खास खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रकाश के साथ, कैमरामैन मनीष के साथ स्माइल चौधरी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।